आज मैं दो इंटरेस्टिंग मूवीज यानी गुलीवर्स ट्रेवल्स और आर्ट बॉय को एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए पहले गुलीवर्स ट्रेवल्स मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलीवर होता है और वो हमेशा ही हैप्पी मूड में रहा करता था, जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन गुलीवर किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो उस लड़के से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो जॉब से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन तभी वो ये जान पाता है कि वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया है। फिर गुलीवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहाँ पर एक और लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है और गुलीवर उस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से भी मिलवाता है। वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलीवर उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलीवर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से कैसे बात करे। फिर गुलीवर और वो न्यू एम्प्लॉय दोनों एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है। तो वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट डे हम गुलीवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में इंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलीवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर वो न्यू एम्प्लॉय गुलीवर को ये भी कहता है कि तुम्हारी नेचर ही है जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली, इसीलिए तुम्हें अपनी नेचर को चेंज करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी नेचर की वजह से ही डार्सी भी अभी तक तुम में इंटरेस्टेड नहीं हुई। ये बातें सुनकर गुलीवर थोड़ा अपसेट हो जाता है और इसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में जाता है। वहाँ जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रैवलिंग का फॉर्म था। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रैवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलीवर कहता है कि यस, बहुत ज्यादा। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी घूम कर आया हूँ। ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है और वो गुलीवर को कहती है कि फिर तो तुम्हें जरूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। लेकिन गुलीवर जब कुछ लिखने लगता है तब उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा होता कि उसे लिखना क्या चाहिए, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलीवर ने उसके साथ झूठ बोला था जबकि वो तो कहीं पर भी नहीं गया था। लेकिन तभी वो अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल बनाता है जिसे देखकर डार्सी काफी खुश होती है और वो उसे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। डार्सी उसे कहती है कि फिर तो तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल पर जाकर जरूर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे गुलीवर बरमूडा के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और उसे बोट चलाने की सारी इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंच जाओगे और जब तुमने वापिस आना हो तो इस बटन को बैग घुमा देना। जिस पर गुलीवर कहता है कि ये काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो दिखना इसे कितनी आसानी से कर दूंगा। इसके बाद गुलीवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। लेकिन तभी उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कुछ भी वो वहाँ पर देखता है वो देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी उसके चेस्ट पर खड़े हुए थे और उन लोगों ने गुलीवर को रस्सियों से बांधा हुआ था और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं जिन्हें बोने लोग भी कहा जाता है। उन छोटे लोगों ने गुलीवर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलीवर को एक जॉइंट समझ रहे थे जो उन लोगों को मार देगा, उन्हें खा लेगा। वहाँ पर उन छोटे छोटे लोगों की एक पूरी आर्मी थी, वहीं पर उन छोटे लोगों की आर्मी का एक जनरल भी था। लेकिन तभी गुलीवर खुद को आजाद करने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं और तभी गुलीवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलीवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलीवर को खींच कर अपने किंग के पास ले जा रहे होते हैं। गुलीवर उनके किंग को कहता है कि ना तो मैं कोई जायंट हूँ और ना मैं कोई डीमन हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है, क्योंकि गुलीवर को अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलीवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहीं पर गुलीवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है और इस प्रिजनर का नाम होरेशियो होता है, लेकिन होरेशियो गुलीवर जैसा नहीं था बल्कि वो इन लोगों जैसा छोटा ही था। गुलीवर होरेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर होरेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए प्रिंसेस के फियांसे यानी जनरल ने मुझे यहाँ पर लाकर प्रिजनर बना दिया है। और इतनी ही देर में वहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलीवर उस जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर वो जनरल उसे पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, जिस पर गुलीवर कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी। इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। फिर एक दिन वो जनरल बैल की
जगह गुलीवर को लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है। लेकिन तभी उनकी किंगडम पर दुश्मन की किंगडम अटैक कर देती है और पूरे पैलेस में आग लगा दी जाती है और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर गुलीवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में अब आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर लोगों की हलचल मच जाती है। तब गुलीवर उनसे कहता है कि सुनो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आग मैं बुझा दूंगा। और फिर गुलीवर वहाँ पर लगी सारी आग बुझा देता है। इसी बीच वो जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलीवर से काफी खुश हो जाता है और वो उसे खाने पर इनवाइट करता है, जिस पर गुलीवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो ये कि होरेशियो को आजाद किया जाए। तब किंग गुलीवर की बात मान लेता है और होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। फिर गुलीवर किंग और उन सारे लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी किंग गुलीवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलीवर कहता है कि नहीं तो मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तभी वो सब लोग गुलीवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। ये देखकर गुलीवर वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। तब किंग गुलीवर को कहता है कि बहुत जल्द हम लोग तुम्हारी वोट ढूंढ लेंगे। फिर किंग गुलीवर के लिए एक काफी बड़ा घर बनवाता है ताकि गुलीवर वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गुलीवर और होरेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। फिर गुलीवर जैसे जैसे होरेशियो को बताता है, होरेशियो सारी उसकी बातों को फॉलो करता है, जहाँ पर गुलीवर होरेशियो से वो सारी बेवकूफियों वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद भी करता रहता है। मगर इसके बावजूद भी प्रिंसेस होरेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात को वो जनरल गुलीवर की बोट ढूंढ लेता है क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलीवर को वहाँ से निकालना चाहता था। बोट में गुलीवर को अपना मोबाइल मिल जाता है जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है और गुलीवर उसे सुनने लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलीवर को कहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से दुश्मन की किंगडम ने उनकी किंगडम पर अटैक कर दिया है। तभी होरेशियो गुलीवर को आकर बताता है कि हमारे किंग ने किंगडम का जनरल तुम्हें बना दिया है, इसीलिए अब तुम्हें ही हमारी किंगडम की हिफाजत करनी है। फिर गुलीवर दुश्मन की किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन गुलीवर की बात नहीं सुनते और पत्थरों से उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसका गुलीवर पर जरा भी असर नहीं होता। फिर गुलीवर उनकी बोट्स को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह गुलीवर उनकी किंगडम को बचा लेता है और अब वो जनरल गुलीवर से और ज्यादा जेलस होने लग गया था। फिर गुलीवर और बाकी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर गुलीवर को एक हीरो बना दिया जाता है और तो और उसे बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलीवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी जिसमें रोबोट बनने का सारा मेथड लिखा हुआ था। तब वो जनरल रोबोट बनकर गुलीवर के सामने आ जाता है। गुलीवर जब उस रोबोट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और रोबोट उसे हवा में उछालकर फेंकने लगता है और सबको गुलीवर की रियलिटी पता चल जाती है और वो सबको बताता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो जो बड़ी बड़ी बातें की, वो सारी झूठ थी। फिर वो जनरल गुस्से में आकर गुलीवर को बांध कर कहीं पर भेज देता है। गुलीवर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच में आ गया है, मगर इस बार तो वो ऑपोजिट जगह पर आ गया था। पहले जहां पर वो छोटे लोगों में चला गया था और अब अपने से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहां पर एक बच्चे ने गुलीवर को खेलने वाले डॉल बना लिया था। और तभी गुलीवर वहां पर होरेशियो से मिलता है। होरेशियो उसे बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने उसके साथ साथ किंग को भी प्रिजनर बना लिया है और अब तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो और उन्हें छुड़ा सकते हो। और तब रात को ही गुलीवर डार्सी और किंग के पास पहुंच जाता है। अगले दिन गुलीवर और उस रोबोट के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर रोबोट गुलीवर पर भारी पड़ता है क्योंकि वो गुलीवर को काफी मारता है, लेकिन होरेशियो रोबोट के कुछ वायर्स को काट देता है। तब मौका मिलते ही गुलीवर उस रोबोट को मार डालता है और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं। इसके बाद किंग होरेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए भी एग्री हो जाते हैं और डार्सी भी गुलीवर की गलतियों पर उसे माफ कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है, लेकिन तभी प्रिंसेस खुद को छुड़ाती है
और वो जनरल को पंच मारती है जिससे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। फिर डार्सी गुलीवर के पास जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी आर्ट बॉय मूवी को। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम पेल नॉर्मन होता है और वो ऑलमोस्ट 12 साल का होता है। पेल का स्कूल में कोई भी फ्रेंड नहीं होता। क्लास खत्म होने के बाद पेल स्कूल के टेरिस पर जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर बैठा एप्पल खा रहा होता है, लेकिन तभी पेल की नजर अपने एक फ्रेंड पर पड़ती है जिसे दो लड़के परेशान कर रहे थे। तभी पेल उस एप्पल को ही उन लड़कों पर फेंक देता है और ऐसा करते ही वो फौरन चुप जाता है, लेकिन वो दोनों शरारती लड़के पेल को देख लेते हैं। फिर वो दोनों उसके दोस्त को छोड़कर पेल के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो खुद को छुपाने के लिए एक घर के गार्डन में चला जाता है। उन दोनों शरारती बच्चों को पेल कहीं पर नजर नहीं आता, इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पेल भी अपने घर के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक आंट चढ़ गई है और वो आंट उसके गले पर पहुंचकर उसे काट लेती है और थोड़ी देर गुजर जाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसे होश आती है तो वो अपने घर के लिए निकल पड़ता है। पेल देखता है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम अमेंडा है, जिसके फादर टीवी पर लाइव आ रहे हैं। इसके बाद पेल ब्रेकफास्ट करने लगता है जहाँ उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। वो मिल्क बॉक्स उठाता है, लेकिन जैसे उसे वापस रखने लगता है तो वो मिल्क बॉक्स उसके हाथ से चिपक जाता है और जब वो उसे दूसरे हाथ से हटाने की कोशिश करता है तो वो उसके दूसरे हाथ से चिपक जाता है। फिर वो उसे छुड़ाने के लिए अपने फादर को बोलता है, लेकिन फिर जैसे ही वो अपना जूस का गिलास उठाता है तो वो भी टूट जाता है। फिर पेल अपने स्कूल में चला जाता है। स्कूल में जाकर पेल अपने एक फ्रेंड से टकरा जाता है। फिर वो क्लास में जाने के लिए दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बजाय खुलने के टूटकर उसके हाथों में ही आ जाता है। यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि चीजें उसके हाथों से चिपक रही थी और वहीं पर पेल का फ्रेंड खड़ा हुआ ये सब कुछ देख पा रहा था। इसीलिए उसे पेल पर शक होने लगता है कि वो किसी पावर्स का मालिक है। फिर पेल स्पोर्ट्स की क्लास के लिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ बैठा होता है। वहीं पर उसका फ्रेंड भी होता है जो पर नजर रख रहा था और तभी टीचर सबसे पहले पेल को बुलाता है और उन बच्चों को कोई न्यू गेम सिखाने के लिए वो पहला टेस्ट पेल के साथ ही करता है। जैसे ही टीचर पेल पर अटैक करता है तो पेल जाकर नीचे गिर जाता है। फिर टीचर उसे दोबारा से उठने को बोलता है और तब पेल एक बार फिर से गिर जाता है और अब तीसरी बार पेल फिर से रेडी हो जाता है। वहाँ पर सारे बच्चे उनको देख रहे होते हैं। टीचर एक बार फिर से पेल पर अटैक करता है, लेकिन इस बार पेल एनर्जेटिक होकर मुकाबला करता है और वो हर बार टीचर के अटैक से बच जाता है और लास्ट में वो अपने टीचर पर सिर्फ एक बार हल्का सा अटैक करता है जिससे उसका टीचर काफी दूर जाकर गिरता है। पेल को देखकर सारे काफी हैरान रह जाते हैं और ये देखकर पेल वहाँ से भाग जाता है। फिर वो अपने घर के लिए जा रहा होता है जहाँ पर उसका फ्रेंड भी आ जाता है। पेल का फ्रेंड उसे क्वेश्चंस करता है उसके पावर के बारे में, मगर पेल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। तब पेल का फ्रेंड उसे सुपर हीरोज की एक कॉमिक बुक देता है। पेल उस कॉमिक्स बुक को पढ़ता है और साथ साथ सुपर हीरोज के ड्रीम भी देखता है। फिर पेल स्कूल जाते ही सबसे पहले अपने फ्रेंड के पास जाता है और वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मुझे एक आंट ने काट लिया था और उसके बाद से ही मैं ऐसा हो गया हूँ, यानी मेरे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। ये बात सुनकर पेल का फ्रेंड उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पर पेल को हर तरफ सुपर हीरोज के इक्विपमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा उसका घर काफी एडवांस था। पेल का फ्रेंड ये चेक करने की कोशिश करता है कि उसके पास किस किस्म की पावर है और वो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके ये सब कुछ चेक कर रहा था। जैसे कभी वो पेल से बुक बैठ करवाता है, कभी उसे हवा में फ्लाई करने की कोशिश करता है। इसके अलावा वो उसे सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम भी पहनाता है ताकि वो बिल्कुल सुपर हीरो ही लगे। और काफी नाम सोचने के बाद फाइनली पेल अपने लिए आर्ट बॉय नाम सिलेक्ट कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक चोर एक लेडी का पर्स चुराकर भाग गया है। पेल उस चोर के पास जाता है और उस पर्स को वापस करने के लिए बोलता है। चोर उसे नॉर्मल बच्चा समझता है और उसे सीरियस नहीं लेता, इसीलिए वो पेल को डराने की कोशिश करता है और पेल पीछे पीछे होने लगता है। लेकिन तभी वो चोर देखता है कि ये बच्चा तो दीवार पर चढ़ रहा है और यहाँ पर पेल को अपनी एक और पावर का पता चल जाता है और पेल उस चोर को पकड़ लेता है। और इतनी ही देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और उस चोर को पकड़ लेती है। तब ये सारी बात पेल अपने फ्रेंड को भी बताता है और साथ साथ वो उसे ये भी बताता है कि मैं दीवार पर भी चढ़ पाया। लेकिन जब वो अपने फ्रेंड को प्रैक्टिकल करके दिखाता है तब उसे नहीं हो पाता। पेल को अपनी पावर्स के साथ साथ अपने वीक पॉइंट का भी पता चल गया था और वो ये कि अगर वो ज्यादा देर तक मीठा नहीं खाएगा तो उसकी पावर्स कमजोर हो जाएगी। फिर पेल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों की हेल्प करने लग गया और देखते ही देखते वो आर्ट बॉय के नाम से फेमस हो गया और बच्चे भी आर्ट बॉय को फॉलो करने लगे। बच्चे आर्ट बॉय के फैन हो गए और उस जैसा दिखने के लिए सेम उसके जैसा ही कॉस्ट्यूम पहनने लगे।
फिर एक दिन पेल की फ्रेंड अमेंडा जब अपने रूम में होती है तब वहाँ पर एक आदमी आता है जिसने अजीब से कपड़े पहने होते हैं। वो आदमी अमेंडा को किडनैप करके ले जाता है। यहाँ पर हम इस आदमी का नाम जान पाते हैं और इसका नाम फ्ली होता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल की छत से लटका हुआ है जिसे देखकर आर्ट बॉय उसे बचाने के लिए जाता है। और जब आर्ट बॉय उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि सिर्फ एक डॉल है जिसे वहाँ पर अमेंडा की सिस्टर ने रखा था आर्ट बॉय को वहाँ पर बुलाने के लिए ताकि वो आर्ट बॉय की हेल्प लेकर अमेंडा को वापस ला सके। अमेंडा की सिस्टर आर्ट बॉय यानी पेल को बताती है कि कोई फ्ली नाम का आदमी मेरी सिस्टर अमेंडा को किडनैप करके ले गया है। वो आदमी काफी अजीब दिखता है और उसके कपड़े भी काफी अजीब थे और वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था क्योंकि वो उड़ पा रहा था। वो बताती है कि मेरे फादर एक वैक्सीन रिसर्च कंपनी में काम करते हैं। उस आदमी ने हमसे $20 मिलियन की डिमांड की है और साथ में ये भी कहा है कि मेरे फादर वहाँ से जॉब भी छोड़ दें। तब आर्ट बॉय अमेंडा को छुड़वाने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन जाने से पहले वो लोग पेल के फ्रेंड के घर पर आते हैं। अमेंडा की सिस्टर को वहाँ पर देख कर पेल का फ्रेंड उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी उसे यहाँ पर लाने की। फिर आर्ट बॉय अमेंडा को स्मेल करते हुए एक घर के पास पहुँच जाता है। उस जगह को देखकर पेल काफी हैरान रह जाता है क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर उस आर्ट ने पेल को काट लिया था। इसके बाद आर्ट बॉय घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ग्लास बॉक्स पड़े हुए हैं जिनके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स को कैद किया गया है। वहीं पर अमेंडा को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद करके रखा गया था। आर्ट बॉय अमेंडा को वहाँ से निकालने का सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर फ्ली आ जाता है और फ्ली आर्ट बॉय को भी एक ग्लास बॉक्स में कैद कर देता है। और यहाँ पर फ्ली आर्ट बॉय को एक बात बताता है। वो बताता है कि अमेंडा के फादर की कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय था जहाँ पर मैं एड्स पर रिसर्च करता था लेकिन एक दिन फिर कंपनी ने मुझे बगैर कोई बात किए ही निकाल दिया और उसे इन्फॉर्म भी नहीं किया कि उसे क्यों निकाला जा रहा है। और इसी दौरान टेंशन लेने की वजह से मेरी मदर की भी डेथ हो गई। वो कहता है कि तभी के बाद से मैंने सोच लिया था कि मैं अमेंडा के फादर से बदला लूंगा क्योंकि अमेंडा के फादर ही उस कंपनी के ऑनर है और तब से मैंने बहुत सारे इंसेक्ट्स पर भी एक्सपेरिमेंट्स करके अपने पावर्स को बढ़ा लिया है ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं। और जिस एंट ने तुम्हें काटा था वो मेरी ही एंट थी जिस पर मैंने अपना आखिरी एक्सपेरिमेंट किया था और उस आंट के काटने की वजह से ही आज तुम इन पावर्स के मालिक हो और ये हमारी आपस की लड़ाई है इसीलिए तुम हमारे बीच में मत आओ क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये लोग तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पावर्स को पसंद करते हैं यानी ये लोग पेल को नहीं बल्कि आंट बॉय को पसंद करते हैं क्योंकि पेल एक कमजोर बच्चा है जबकि आंट बॉय पावर्स का मालिक है। ये बातें सुनकर पेल को अपना पास्ट याद आ जाता है और तब वो डिसाइड करता है कि वो आंट बॉय नहीं बल्कि पेल बनकर ही जिंदगी गुजारेगा। फिर एक दिन पेल अपनी क्लास में होता है। वहाँ पर फ्ली आ जाता है जो पेल के फ्रेंड को पकड़ लेता है। तब उसे बचाने के लिए पेल फिर से आर्ट बॉय बन जाता है। अब क्योंकि पेल ने काफी देर से मीठा नहीं खाया था तो इसीलिए वो कमजोर हो गया था यानी उसकी पावर्स अब काम नहीं कर रही थी। फिर फ्ली पेल के फ्रेंड को लेकर उसके सामने आ जाता है लेकिन जैसे ही पेल एक ड्रिंक पीता है तो उसकी पावर्स वापस आ जाती हैं। लेकिन तब तक फ्ली पेल के फ्रेंड को लेकर जा चुका था। तब आर्ट बॉय अपने फ्रेंड का मिरर इस्तेमाल करते हुए एक जंगल तक पहुंच जाता है जहां पर उसे अपना फ्रेंड एक ट्री के साथ बंधा हुआ मिलता है। और जैसे ही आर्ट बॉय उन रस्सियों से अपने फ्रेंड को आजाद करता है तभी वहां पर फ्ली आ जाता है और आर्ट बॉय और फ्ली की लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान पेल का फ्रेंड पुलिस को भी कॉल कर देता है। फिर वो लोग फ्ली के पीछे लगे एक पाइप को निकाल देते हैं जिससे खून बहने लगता है और फ्ली भी अब कमजोर होने लगता है जहाँ पर आर्ट बॉय उसे बहुत ज्यादा मारता है और उसे उठाकर दूर फेंकता है लेकिन फ्ली अब उठ नहीं पाता और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो फ्ली को पकड़ लेती है और उसे अरेस्ट करके ले जाया जाता है। इसके बाद पेल डिसाइड करता है कि वो आर्ट बॉय बनकर ही रहेगा और लोगों की हेल्प करेगा और इसके साथ ही आर्ट बॉय मूवी भी यहाँ पर एंड हो जाती है। Thank you for watching.